सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं अष्टम्याः कक्षायाः सप्तमः पाठः गीता गंगोदकम् पठामः। फिर बच्चों, आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद् गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई एक अमृत धारा के समान है और उनके मुख से निकली हुई शब्दों को अमृत इसलिए कहते हैं क्योंकि वे शब्द प्रत्येक मनुष्य मात्र को जीवन जीने की कला सिखाती है और साथ ही साथ आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग भी बताता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। चलिए एक एक शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ देखते हैं। अभ्यास अर्थात बार बार किसी कार्य को करने का प्रयास करना अभ्यास कहलाता है। योग, योग कहते हैं जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। युक्त, अभ्यास और योग से युक्त। चेतसा, चित्त से, मन से। न, नहीं, अन्य गामिना, दूसरी ओर जाने वाली। परमम, परम पुरुषम दिव्यम, परम दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा। याति प्राप्त होता है, जाता है। पार्थ अर्जुन, अनुचिंतयन लगातार चिंतन करने से। बच्चों, अभी हमने एक एक शब्दों का अर्थ देखा, अब इस श्लोक के भाव को देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य मन के द्वारा, और कैसे मन के द्वारा, नान्यगामिना इधर उधर भागने वाला ना हो। अर्थात आप जानते हैं ना, हमारा मन इधर से उधर भागते रहता है, तो इधर उधर भागने वाला मन से नहीं, तो किससे, केवल परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा और अभ्यास और योग से युक्त होकर। अर्थात बार बार प्रयत्न करने के पश्चात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करके जो पुरुष लगातार ईश्वर का चिंतन करता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। कठिन शब्दों को देखते हैं। चेतसा, चित्त से, नान्यगामिना न अन्यगामिना दूसरी ओर न जाने वाला। अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करते हुए। याति प्राप्त होता है, पार्थ अर्जुन। दूसरा श्लोक देखिए बच्चों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युमुपहितमस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पत्रम, पत्रम माने पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल पानी, यो जो, मे मुझे, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति प्रदान करता है, तद अहम उसको मैं, भक्त्युपहित भक्ति पूर्वक प्रदान करने पर, अस्नामी खाता हूं, प्रयतात्मना प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक सगुण रूप में आकर के। श्लोक के भाव को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त शुद्ध बुद्धि से अर्थात शुद्ध मन से जो कुछ भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान करते हैं, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, तो शुद्ध बुद्धि वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक प्रदान किए गए वस्तुओं को मैं
सगुण रूप में आकर प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूं। तो यहां पर भक्ति और प्रेम के विषय में बताया गया है। कठिन शब्दों को देखते हैं, तोयम जल, जल को और क्या कहते हैं संस्कृत में, अम्बू नीर, है ना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। प्रयच्छति अर्पण करता है, देता है, प्रयतात्मना सगुण रूप में प्रकट होकर। अगला श्लोक हम देखते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। शब्दों के अर्थ देखते हैं, अहम मैं, वैश्वानरो वैश्वानर अग्नि रूप में, भूत्वा होकर के, प्राणिनाम प्राणियों के, देहम शरीर में आश्रित आश्रित रहता हूं, प्राणापान समायुक्त प्राण और अपान से युक्त होकर के, पचामी पचाता हूं अन्नम अन्न को, चतुर्विधम चार प्रकार के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में विद्यमान रहता हूं। आपको पता है अब पेट में अग्नि होती है क्या? हाँ, मनीष ने सही कहा। लोग कहते हैं ना कि पेट की आग बुझाने के लिए, तो पेट की आग का तात्पर्य है पेट में जो ऊर्जा है, जो भोजन को पचाता है, उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं वैश्वानर अग्नि के रूप में वो मैं ही हूं। और कैसे हूं? तो प्राण और अपान वायु से युक्त होकर के, प्राण मतलब ऑक्सीजन और अपान मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों वायु से युक्त होकर के मैं चार प्रकार के भोजन, चार प्रकार के भोजन, भक्ष्य भोज्य लेह्य और चोष्य, इन चारों प्रकार के भोजनों को पचाता हूं। कठिन शब्दों को देखते हैं, अश्नामी खाता हूं, समायुक्त संयुक्त चतुर्विधम चार प्रकार के, पचामी पचाता हूं वैश्वानरो वैश्वानर अग्नि रूप में। अगला श्लोक देखते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं मवाप्स्यसि। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं, सुख का मतलब होता है सुख, दुख सुख और दुख, समे बराबर, कृत्वा करके, लाभ अलाभौ, लाभ माने लाभ, अलाभौ माने हानि, जय जय मतलब जीतना, अजयौ अजय पराजय, जय पराजय, अजय यहां पे न जय अजय अर्थात पराजय। ततो तो इसलिए, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युज्यस्व तैयार हो जाओ, नैवम न एवं ऐसा करने से नहीं, पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। इसके भाव को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान रूप से देखो। अब यहां समान रूप से देखने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक दुख को नहीं जानेंगे तो सुख का आनंद कैसे प्राप्त करेंगे, हानि को नहीं जानेंगे तो लाभ के विषय में हम कैसे जानेंगे, और पराजय को जिसने नहीं जाना वो जीत का आनंद कैसे समझेगा। इसलिए ये जो हार जीत लाभ हानि सुख दुख है, इनमें तुम समभाव से देखो, इन सबको तुम समभाव से देखो। लाभ पाकर बहुत ज्यादा हर्ष को प्राप्त मत करो और हानि से बहुत ज्यादा विषाद में मत जाओ। ये कहने का है कि लाभ हानि में बराबर
समझो, लाभ हानि को बराबर रूप में देखो। इसलिए युद्धाय, युद्ध करने के लिए, युज्यस्व, तैयार हो जाओ, नैवम न एवम, और तुम जब ऐसा करोगे तब पापम न अवाप्स्यसि, तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे, पाप को तुम प्राप्त नहीं करोगे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। युज्यस्व, तैयार रहो, जुड़ जाओ, अवाप्स्यसि, प्राप्त करोगे। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक एक शब्द के अर्थ देखते हैं। सर्व धर्मान, सर्व माने सभी, धर्मान माने धर्म को, धर्म कहते हैं कर्तव्यों को, परित्यज्य त्याग करके, मामेकं, माम एकम, मुझे एक के शरणम, शरण में, व्रज आ जाओ, अहम मैं, त्वा तुमको, सर्व पापेभ्यो सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, मा शुच शोक मत कर। इस श्लोक का भाव देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जितने कर्तव्य वाले कार्य हैं उन सारे कार्यों को तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम सही मार्ग पर ही जाओगे। तो जब तुम सही मार्ग में जाओगे तो तुमसे पाप होगा ही नहीं, और जब तुमसे पाप होगा ही नहीं तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। तुम इसमें बिल्कुल भी शोक मत करो, संशय मत करो। कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। परित्यज्य, त्याग करके, शरणम व्रज, शरण में आ जा, मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, मा शुच शोक मत कर। चलिए बच्चों अगला श्लोक देखते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। बच्चों एक एक शब्द के अर्थ देखते हैं। विहाय माने त्याग करके, कामान कामनाओं को, इच्छाओं को, सर्वान सभी, पुमान मतलब मनुष्य, चरति विचरण करता है, निष्प्रियः, निष्प्रियः का मतलब होता है स्पृहा रहित, लगाव रहित, निर्ममो, निर्ममो का मतलब ममता से रहित, निरहंकार अहंकार से रहित, स वह शांतिम शांति को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब भाव देखते हैं श्लोक का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग करके, तात्पर्य है कि मन में जो नाना प्रकार की जो इच्छाएं आते रहती है उन इच्छाओं को त्याग करके, ममता से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के, ममता से रहित का मतलब अनावश्यक ममता न करके और अहंकार न करके, घमंड न करके, स्पृहा रहित होकर के जो मनुष्य रहते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को ही शांति की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार के इच्छाओं में घूमते रहते हैं और अहंकार करते हैं, ममता बहुत ज्यादा मोह में डूबे रहते हैं, लगाव में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों को कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए देखते हैं कठिन शब्दों को। विहाय, त्याग करके, कामान इच्छाओं को, कामनाओं को, निर्ममो ममता रहित, निरहंकार अहंकार रहित, अधिगच्छति प्राप्त होता है। अगला श्लोक देखते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो भी भवत्युत। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं।
कुल क्षये, कुल के नष्ट होने पर, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाता है, कुल धर्म, कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, सनातन सनातन धर्मे नष्टे और धर्म के नष्ट हो जाने पर, कुलम कुल नष्ट हो जाता है, कृत्स्नम संपूर्ण, अभिभवत्युता फैलाओ। श्लोक का भाव देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राचीन काल से जो परंपरा है, जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के नष्ट होने पर कुल का नाश हो जाता है, और कुल के नाश होने पर सनातन धर्म का नाश हो जाता है, और जब धर्म का नाश हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी में पाप फैल जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आपको सनातन धर्मों की भी रक्षा करनी है और कुल का भी रक्षा करना है। इन इस श्लोक में आए कठिन शब्दों को देखते हैं, क्षय नष्ट होने पर, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, कृत्स्न संपूर्ण, अभिभवति फैल जाता है, उत बहुत। अगला श्लोक देखते हैं, नहीं जाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनिविन्दति। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं, न नहीं, न माने न ही माने ही, ज्ञाने ज्ञान के सदृशम समान, पवित्रम पवित्र इह इस संसार में, विद्यते है, तत् स्वयं तो स्वयं, तो तुम स्वयं योग संसिद्ध, कर्म के द्वारा सिद्ध किया हुआ, कालेन समय के द्वारा, आत्मनि अपने आप को, विन्दति प्राप्त कर लेता है। ये था शब्दों के अर्थ, अब हम देखते हैं इसके भाव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान से ही पवित्रता आती है, ज्ञान से विवेकवान बनते हैं, और विवेकवान का तात्पर्य होता है उचित अनुचित का बोध करने वाला। तो जो हमें उचित अनुचित का बोध कराता है वो ज्ञान इस संसार में सबसे पवित्र है। इसलिए तुम स्वयं कर्म के द्वारा पूर्ण सिद्ध करके आत्मन अपने आप को, विन्दति पा सकते हो, अपने आप को पा सकते हो, अर्थात अपने को पहचान सकते हो, और जब अपने को पहचानोगे तब ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको देखते हैं, योग संसिद्ध, कर्म योग के द्वारा पूर्ण सिद्ध किया हुआ, आत्मनि अपने आप ही, आत्मा में सदृशम समान, विन्दति पा लेता है। अगला श्लोक देखते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं, ईश्वरः ईश्वर सर्वभूतानां सभी प्राणियों के हृदेशे हृदय प्रदेश में तिष्ठति रहता है, भ्रामयन घुमाकर सर्वभूतानि सभी प्राणियों को, यंत्रारूढानि यंत्र के समान, मायया माया के द्वारा। आइए इसके भाव को देखते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, और ये जो शरीर है, सभी प्राणियों का जो शरीर है वो यंत्र के समान है। मशीन देखे ना, यंत्र कैसे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी यंत्र के रूप में है, और इस यंत्र रूपी शरीर में ईश्वर विराजमान होकर के उस प्राणी के कर्म के अनुसार अपनी माया से
अलग 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 शरीरों में घुमाते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है उस हिसाब से उनको अलग अलग शरीर दे करके स्वयं उस शरीर में विद्यमान होकर के उनको ईश्वर अपनी माया से घुमाते रहते हैं। कठिन शब्दों को देखते हैं, सर्वभूतानां सभी प्राणियों के हृदेशे हृदय प्रदेश में तिष्ठति स्थित है, भ्रामयन भ्रमण कराता हुआ, यंत्रारूढ़ाने यंत्र में आरूढ़ होगा। चलो बच्चों, अब हम जो पाठ अभी पढ़े हैं उसमें से कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे और उनके आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। प्रश्न एक है, जनाः ईश्वरस्य प्राप्त्यर्थं किं कुर्वन्ति, लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं। इसका उत्तर हाँ महेश को बताना है, बताओ। जनाः ईश्वरं प्राप्त्यर्थं योगेन चेतसा च चिंतनं कुर्वन्ति। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्पुरुषाः सुख दुःखं किं मन्यन्ते, सत्पुरुष सुख दुख को क्या मानते हैं। अच्छा ममता को बताना है, बताओ ममता। सत्पुरुषाः सुख दुःखं समं मन्यन्ते। हाँ सही है। अगला प्रश्न है, मुक्तेः उपायः कः, मुक्ति का उपाय क्या है। एकता, हाँ बताओ क्या कहा आपने। हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य ईश्वरस्य शरणे गमनमेव मुक्तेः उपायः। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखिए, कः पुरुषः शांतिमधिगच्छति, कौन पुरुष शांति प्राप्त करता है। इसका उत्तर कौन देगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, चलिए सुमन आप बताइए। हाँ यह पुरुषः सकल कर्माणि परित्यज्य अहंकार रहित भवति, सह शांतिमधिगच्छति। हाँ अगला प्रश्न है, धर्मे नष्टे किं भवति, धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है। धर्मे नष्टे कुलं विनश्यति। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी अभ्यास कार्य किया, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा गृह कार्य दिख रहा है। आप इन श्लोकों में से कोई एक श्लोक को कंठस्थ कीजिए और उसका अर्थ अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखिए और अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से उसका परीक्षण करवाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। नमो नमः।